2021 के लिए 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के ऐलान की। राष्ट्रीय पुरस्कारों में पुष्पा, आरआरआर, रॉकेटरी, द नम्मी इफेक्ट्स, मिमी, गंगूबाई कठियावाड़ी और सरदार ऊधम जैसी फिल्मों का जलवा रहा है। पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है तो माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नम्मी इफेक्ट्स बेस्ट फीचर फिल्म बनी है। दर्शकों के दिलों में छाने वाला पुष्पा वाकई छा गया। वो बार बार खुद को फायर बताता रहा, लेकिन नेशनल अवार्ड की जूरी ने पुष्पा को सम्मान के फ्लावर का हकदार माना। मान कहाँ छुपाया है? बता दिया। अल्लू अर्जुन को पुष्पा में शानदार और जानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर पुष्पा द राइज, लीड एक्टर अल्लू अर्जुन। पुरस्कार का ऐलान हुआ तो अल्लू अर्जुन हैदराबाद में अपने घर पर मौजूद थे। फिल्म से जुड़े लोग भी वहां पर मौजूद थे। बेस्ट एक्टर ने जब उन्हें गले लगाया तो लगा खुशियों ने फेविकॉल लगा दिया है। अल्लू के घर के बाहर उनके फैंस इकट्ठा हुए और जमकर जश्न मनाया। अल्लू अर्जुन पहले तेलुगु एक्टर है जिन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन फिल्म मिमी, आलिया भट्ट गंगूबाई कठियावाड़ी। बेस्ट एक्ट्रेस गंगूबाई कठियावाड़ी, आलिया भट्ट, बट दिस इज शेयर्ड विद मिमी एक्ट्रेस कृति सेनन। मिमी के लिए कीर्ति सेनन को और गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कहते हैं कमाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती। सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं भारतीय सिनेमा दुनिया भर में अपना परचम लहराता रहेगा। हम दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री है और हाल ही में ऑस्कर जीतने वाले में भी भारत का नाम आता है और भविष्य में भी भारत की फिल्म इंडस्ट्री देश और विदेश में अपनी पहचान और मजबूत बनाती है। नेशनल फिल्म अवार्ड देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। इसकी शुरुआत साल 1954 में हुई थी और ये अपने 69वें पड़ाव पर है। आज तक ब्यूरो। रॉकेटरी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिलने पर माधवन ने दर्शकों और जूरी का आभार जताया है। सुनिए। When we started this project, the only mission we had in mind was to tell the story of this incredible man, Nambi Narayanan sir, and what a lovely coincidence that Yasan makes history with one of his engines as well, and today a rocketry success. Our heartfelt gratitude to everybody involved in the Jury Award who gave us this award, and to Information and Broadcasting Ministry for giving us this recognition.